सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, ये जो समय चल रहा है, इस समय हमें बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। दोनों पक्षों को लेकर बहुत अच्छे मजबूती से हमें मेहनत करनी है, चाहे वो दूसरा मैटर हो चाहे पदवृद्धि वाला मैटर हो। हम दोनों मैटरों को साथ के चल रहे हैं, दोनों मैटरों को मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, तो हमें दोनों में 100% लगाने की ज़रूरत है। सिचुएशन ये है कि कैसी भी कंडीशंस बन रही हों, लेकिन हम जब अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं और बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ हम उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अब हम पूरी तरीके से अपने जो कोशिश है वो लगा रहे हैं। साथियों, आज हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मिले, उनको हमने अपनी जो फाइल है वो हमने दी और उन्होंने आश्वासन दिया। साथियों, हम निरंतर प्रयासरत हैं और हम अपॉइंटमेंट लेने के साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेने की, जिससे हम बैठकर, चाहे हमें 5 मिनट का ही समय क्यों ना दिया जाए, हम बैठकर चीज़ें अवगत करा सकें। क्योंकि जो भी कोई कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम के बाद जब चीज़ें दी जाती हैं या हम अपनी बात रख पाते हैं, तो उस समय जो समय मिलता है वो काफ़ी लिमिट का समय रहता है। 1 मिनट से भी कम का समय कह सकते हैं, या 1 मिनट की सिर्फ हम बात ही रख पाते हैं, क्योंकि उस समय सब अपनी अपनी बातों को रखने के लिए मिलने आते हैं, मिलते हैं। तो फिर भी हमें आज जो भी समय मिला 1 मिनट से कम का, लेकिन हमने बोला और फाइल दी। साथियों, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर संपर्क कर रहे हैं। साथियों, हम डिप्टी सीएम हो, शिक्षा मंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हम सब जगह निरंतर मिलने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि हर 2 दिन बाद मैं सीएम हाउस में एक फाइल देकर आता हूँ, जो कि माननीय उनके जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पीए होते हैं उनके पास फाइल जाती है 2 दिन बाद। जैसे मान लीजिए, आज अगर हमने फाइल दी है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री के हाथों जब उनके पीए के पास जाएगी, तो वो उस फाइल को देखेंगे, ये हमारे पास कई बार आ चुकी हैं फाइलें, मतलब बिना मुख्यमंत्री जी के मिले। आज अगर मुख्यमंत्री जी के मिलने के साथ आई है फाइल, तो ज़रूर उस पर वो संज्ञान लेंगे, ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, हम निरंतर प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हम हर चीज़ को लेकर कर रहे हैं कि हमें कैसे भी करके हम उन सभी साथियों को सफलता दिला सकें जो आज संघर्ष कर रहे हैं, प्रत्येक पक्ष में अपनी मेहनत कर रहे हैं, प्रत्येक पक्ष में अपनी आस लगा के बैठे हुए हैं। देखो, जो दायित्व तो हो सकता है, जो संघर्ष हो सकता है, देखो, दिन में सुबह हम सुबह जब हम यहाँ से निकलते हैं, जब शाम को आते हैं, तो दिन में ये भी नहीं पता चलता कि खाना खा पाते कि नहीं खा पाते, क्योंकि दिन में इतना कभी यहाँ कभी वहाँ, यहाँ जाना वहाँ जाना, मतलब आज भी हम 2-3 जगह और भी जगह गए हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, गया गया गए थे हम, तो वहाँ भी हमने अपनी बात को रखा है। तो हम हर जगह कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो और निरंतर हम प्रयासरत भी हैं। साथियों, हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो सही तरीके की जो भर्ती है सही तरीके से हो, सही तरीके से इसमें जो विसंगतियाँ वो दूर हो, और जो हम सभी अभ्यर्थी जो किसी न किसी कारण से अटके हुए हैं, और चाहे जो सार्वजनिक रूप से जो हमारी मांग है कि इसमें पदों में बढ़ोतरी की जाए, जो आश्वासन दिया था, और उसके बाद तो आश्वासन देखिए अब पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने भी दिया, उसी आश्वासन पे जगदीप देवड़ा जी जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी दिया, और शिक्षा मंत्री जी वर्तमान शिक्षा मंत्री उन्होंने भी दिया है। तो हम उस चीज़ को निरंतर अवगत करा रहे हैं कि उसके बाद भी हमें कई बार आश्वासन मिल चुके हैं, तो इन आश्वासनों को प्रक्रिया में बदला जाए, प्रक्रिया की जाए जिससे, और बिना मतलब बिना किसी विसंगति के साथ प्रक्रिया की जाए, जिससे हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें और हमारी जो समस्या है और हमारी जो मांग है वो पूरी हो सके। तो साथियों, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, और प्रत्येक पक्ष को हमें मजबूत रखना